मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज की इस नशिश्त में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुसीबतें किन किन वजूहात से इंसान के घरों में दाखिल हुआ करती हैं। इस ज़िम्न में सबसे पहले मैं कुरान मुक़द्दस की सूरत शोरा आयत नंबर 53 को कोट करूँगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची है वो तुम्हारे अपने हाथों के कमाए हुए अमाल के बिना पर है। अल्लाह अकबर। इस ज़िम्न में हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आफ़त, बला और मुसीबत तीन तरीक़ों से दाखिल हुआ करती हैं। सबसे पहला आपने फरमाया सकमुत तबिया, तबीयत की बीमारी। फिर दूसरा आपने फरमाया व मुलाजिमतुल आदा, आदत की मुलाजिमत। आपने तीसरा फरमाया व फसादुस सुहबा, और सोहबत का फसाद। किसी ने पूछा, हुजूर ये तबीयत की मुलाजिमत क्या है? आपने फरमाया किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना और हराम का माल खाना, ये सबसे बुरी हरकत है। उसके बाद फरमाया कि इंसान के लिए ये हलाकत की बात है। फरमाया अगर तुमने किसी की ऐब जोई की, किसी की बुराई की, किसी की दिल आज़ारी की, तो ये इंसान के लिए हलाकत की बात है, वो नरगे में धंसता चला जाएगा, धंसता चला जाएगा। उसके बाद आपने फरमाया कि किसी की बुराई ना किया करो, किसी की गीबत ना किया करो, किसी की चुगली ना किया करो, किसी की बैकबाइटिंग ना किया करो। हाँ, अगर तुमने बुराई करनी है, अगर तुमने किसी की दिल आज़ारी करनी है तो अपने मन में खुद की बुराई किया करो, अपने दिल के अंदर ख़ुद की बुराई किया करो, ख़ुद के बुराइयों को तलाश किया करो और उसकी इस्लाह, उसके अहवाल के लिए कोशिश किया करो। फरमाया ये रफ़ाक़त है। अर्ज़ किया गया हुजूर ये आदत की मुलाजमत क्या है? फिर आपने फरमाया, वही जुमला आपने फिर दोहराया कि आदत की मुलाजमत किसी की गीबत करना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला सूरतुल हिजरात में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तजस्ससू वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फ़करिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। तुम किसी के ऐबों को, किसी की राज़ों की जुस्तजू ना किया करो और ना ही किसी की एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई किया करो। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उसके बाद आपने फरमाया सो तुम उसकी नफ़रत के बिना पे ये करते हो। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तबारक व ताला बहुत रहम फरमाने वाला और बहुत हिकमत वाला है। मेरे भाइयों, इसी ज़िम्न में मैं एक हदीस पाक भी बयान कर दूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान भाई का, अपने भाई की जो है बुराई करता है, उसकी चुगली करता है, उसकी गीबत करता है, तो वो इस तरह है जिस तरह वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। अल्लाह अकबर। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर वो मेरे भाई के अंदर वो सिफ़ात मौजूद हो और मैं उसकी सिफ़त को लोगों के सामने ज़ाहिर करूं तो क्या ये भी बुराई है? आपने फरमाया बिल्कुल वो भी बुराई है। हाँ, अगर तुम्हारे भाई के अंदर वो सिफ़त मौजूद नहीं है जो तुम लोगों के सामने शेयर कर रहे हो तो ये बहतान है। अल्लाह अकबर। फिर पूछा गया हुजूर ये सोहबत का फ़साद क्या है? आपने फरमाया सोहबत का फ़साद नफ्स की ग़ुलामी है, यानी नफ्स जो हमारा कहे हम वो करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि सिजनु का नफ्सुक इदा खरज तमिनहा मक़ात फ़ी राहतिल अबद। फरमाते हैं बंदे, तेरा नफ्स तेरे लिए कैद खाना है। अल्लाह अकबर। इसी ज़िम्न में एक और हदीस पाक याद आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ी सबीलिल्लाह जो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, यानी अल्लाह की राह में जो जिहाद करते हैं और अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, उनके लिए जिहाद असगर है। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर जिहाद अकबर क्या होगा? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने नफ्स की पैरवी से बच जाए, अपने नफ्स की इत्तिबा से बच जाए, अपने नफ्स की मुलाज़मत से बच जाए, अपने नफ्स की जो है इत्तिबा से बच जाए और उसकी ग़ुलामी से बच जाए, वो जिहाद अकबर है। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि सहाबी रसूल का जो है झुरमुट लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बताओ तुम में से पहलवान शख्स कौन है? साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पहलवान शख्स तो वो है जिसे कोई पछाड़ ना सके, जिसे कोई रिंग में पछाड़ ना सके। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, पहलवान शख्स वो नहीं है जिसे लोग पछाड़ नहीं सकते, बल्कि पहलवान शख्स वो है जो अपने नफ्स की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए। अल्लाहु अकबर। अपने नफ्स की पैरवी से आज़ाद हो जाए, नफ्स जो कहे उसका बिल्कुल वो ऑपोज़िट करे, तो ये सबसे बड़ा पहलवान है। तो मेरे भाइयों, ये मैंने बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपके गोशे गुजार किया हूँ, अगर आप इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कहीं ना कहीं से हमारे जो है घरों में परेशानियाँ डेरा जमा करके बैठी हुई है, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन आदाते सहीहा पे अमल करने से वो रफ्ता रफ्ता आपके घरों से जो है निकल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, रद्द हो जाएंगी। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।